खबर बांदापुर से। जहां दौरे पर निकले उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आशीर्वाद किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। वहीं सरकार के द्वारा योजनाओं के अंतर्गत सभी लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की बात कही। पूरा मामला बांदा जनपद के बबीरू कस्बे के का है, जहां पर कस्बे के नहर कोठी डाक बंगले में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग मंत्री रमापति शास्त्री ने जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक के बाद बबीरू तहसील क्षेत्र के भभुआ गांव पर पहुंचकर आशीर्वाद किसान सेवा केंद्र इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं मंत्री ने कहा कि हमारी योगी सरकार अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों तक शासन के द्वारा योजनाओं के अंतर्गत लाभ पहुंचाने का काम तेजी से कर रही है और सभी लाभार्थियों को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा और वृद्धा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है। समीक्षा बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह व विकास अनुसूचित जाति वित्त निगम अधिकारी दिलीप कुमार, समाज कल्याण विभाग के एई और बबीरू उपजिलाधिकारी महेंद्र प्रताप मौजूद रहे। वहीं मंत्री जी के दौरे के दौरान बबीरू विधायक चंद्रपाल कुशवाहा, अजय सिंह पटेल, विवेकानंद गुप्ता, मीना भारती सहित भाजपा के दर्जनों पदाधिकारी व सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बबेरू क्षेत्राधिकारी सियाराम, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सहित पुलिस व प्रशासन संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। कल्याण विभाग महत्वपूर्ण विभाग है जी, और इसमें हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए सब व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए हमने तय किया है कि जो वृद्धा पेंशन जो वृद्ध हैं वो असहाय हैं, किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो उनको हम लोगों ने तय किया है कि वृद्धा पेंशन के माध्यम से सारे लोगों को उन लोगों को जो है पहले से 400 रुपया देते थे, अब माननीय योगी जी ने इसको कर दिया 500 रुपया। 500 रुपया सारे लोग खाते में पेंशन दे रहे हैं। आने वाले दिन में हम चाहते हैं हम 60 लाख तक पहुँचाएँगे। सो कोई भी वृद्धा सहयोग के बिना, पेंशन के बिना नहीं रहेगा। जो